गोपालगंज में सड़कों का खास्ता हाल है। जिला प्रशासन, ग्रामीण कार्य विभाग और बिहार सरकार की उदासीनता की वजह से गोपालगंज जिले की कई सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। जर्जर सड़कों पर चलना लोगों के लिए दूभर हो गया है। हैरानी की बात है कि गोपालगंज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का गृह जिला भी है, बावजूद इसके यहाँ की सड़कों का खास्ता हाल है। गोपालगंज का एक सड़क का एक ऐसा ही हाल है जो जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिपाया से कोनवा मोड़ तक करीब 8 किलोमीटर लंबी सड़क अब पूरी तरह से टूट गई है। इस जर्जर और टूटी सड़क पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों की होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सिपाया कोनवा सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग गोपालगंज के द्वारा किया गया था। गोपालगंज सदर प्रखंड और गुचाईकुट के 2 दर्जन से ज्यादा गांव इस सड़क से जुड़े हुए हैं, लेकिन सड़कों के खास्ता हाल की वजह से आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। इस सड़क से सिपाया, रामपुर, दौदा, माधोपुर, श्यामपुर, हेमबरदहा सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांव जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 साल पूर्व इस सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दोबारा इन सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के अभाव में ये सड़कें टूट गईं। पैदल या गाड़ी से चलना मुश्किल हो गया है। रामपुर गांव के युवक कर्ण सिंह के मुताबिक 10 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था। तब दावा किया गया था कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण कार्य की वजह से ये सड़क कई वर्षों तक चलेगी, लेकिन बनने के बाद ही सड़क टूटने लगी थी। रामपुर दाऊद गांव के युवक सुमित कुमार सिंह ने बताया कि इस सड़क से 1 दर्जन से ज्यादा गांव जुड़े हुए हैं। ये सड़क सिपाया स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल जाने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सड़क के टूटने से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आए दिन उनके घर के सामने हादसे होते रहते हैं। जिला प्रशासन से लेकर जन प्रतिनिधियों को सूचना दी गई, लेकिन जन प्रतिनिधियों और सरकारी उदासीनता की वजह से ये सड़क आज तक नहीं बनी। हाल के दिनों में समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश गोपालगंज के सिपाया आए थे, तब भी इस सड़क का निर्माण मरम्मती कार्य पूरा नहीं किया गया। सड़क बारे में क्या कहना है आपको? देखिए सर, हमारे घर रहने वाले हैं, हम लोग हमेशा गोपालगंज से आ रहे हैं। सड़क इतना खराब है, इसका कोई मतलब कोई माय बात नहीं, कोई इसका नहीं है। बेलटकनी से गोपालगंज तक कोनवा मोड़ तक इतना खराब है, तो हम लोग उस तरफ में जाते हैं, कई किलोमीटर लंबा चलना पड़ता है। वहाँ से सिपाया से मतलब गोपाल बंजाई तक कोनवा तक 2 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ तक हम लोग कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये सड़क कब बनी थी, याद है आप लोगों को? ये सड़क मतलब 2-3 साल पहले बना हुआ था, 4-5 साल पहले जी। हाँ, उसके बाद कोई इसका मतलब नहीं हुआ, कोई मरम्मत नहीं हुआ। अगली साल भाई रोड़ा फोड़ा गिरा था, यहाँ तो और गड्ढा हुआ था, देखिए गिरा है यहाँ पर। तो क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत यह है कि जाने आने में बहुत परेशानी है। किस किस गांव के लोग इस सड़क का यूज करते? देखिए यहाँ से तो देखिए बखरी है, रामपुर दाऊद है, शामपुर है, रामपुर माधो है, सब बनिया छापर है, सब इसी तरफ लोग जाते हैं, बेलवा है सब। हाँ, पूरा सिपाया फार्म से लेकर और सब लोग इसी तरफ जाते हैं। सर, के बारे में क्या कहना है आपको? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार शाह है और मेरा घर यहाँ पर बखरी में ही है। ये रोड 10 साल से खराब है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये रोड चलता है और यहाँ पॉलिटेक्निक भी हो गया, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आके उद्घाटन भी किए, सैनिक स्कूल भी हुआ, और ये कोनवा मोड़ से लेके बहुत ज़्यादा ही रोड खराब है, इससे बहुत तकलीफ होता है। अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी लग जाता है ना बारिश होने के समय में, अभी ये लोग जो अगल बगल वाले अभी गाड़ी तेजी में कोई निकला तो वो लोग भी पूरा गीला हो जाते हैं, सबको तकलीफ होता है। और ये जब हमारा शुगर मिल चालू था सासामूसा का, तो वो अपना पर्सनली मतलब कुछ अपने खर्चे से थोड़ा बहुत जो गड्ढा गुड्ढी है वो मरम्मत कराता था, लेकिन सरकार को इस पर 10 साल से ज़्यादा हो गया ध्यान नहीं है। इस पर ध्यान उनको विशेष देना चाहिए कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया और ये हाईवे से सीधा रोड है, इससे कम से कम 10 से ज़्यादा गांव जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ कोनवा मोड़ से लेके बेलवा हो गया, बेदौली, ये सब जितने गांव हैं, बकरी, रामपुर, दौदा, विशुमपुर, जो भी है, सपैया डाला, और उसके उधर भी जो दियरे के लोग हैं उनके लिए भी ये मेन रूट है, ये हाईवे पर जाने के लिए, NH 28 पर जाने के लिए, हाँ, कहीं भी मतलब भोपाल के जिले में जाने के लिए उधर के लोग पूरा उत्तर दिशा से जो आते हैं उनका एकदम मेन रोड है। फिर भी इस पर सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं है। हम बस इतना ही कहना, हम तो यही चाहते हैं कि रोड जल्दी से बन जाएगा तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि सबको बहुत तकलीफ होता है, चाहे साइकिल वाला हो, टेम्पो वाला हो, बाइक वाला हो, जो भी है, ट्रक व्रक हो, जो भी इधर आता जाता है, सबको तकलीफ है इस रोड से। इस रोड से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो हम तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे, हम तो यही बोल सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते, कि भाई इसका मरम्मती या नया बनाना जल्दी से चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।